मालवा और खास तौर पर इंदौर की होली पूरे प्रदेश में फेमस है और यही कारण है कि दो साल बाद एक बार फिर से शहर में रंगों के त्यौहार होली पर पहले जैसी रौनक नजर आई। वहीं कलेक्टर मनीष सह ने भी अपने निवास पर अधिकारियों और पत्रकारों के साथ जमकर होली खेली। इसके साथ ही कलेक्टर मनीष सह ने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए शहरवासियों को होली की रंगारंग शुभकामनाएं देते हुए खास संदेश भी दिया है। देखिए खास बातचीत। कोरोना काल की चुनौतियों को पार करने के बाद इंदौर जो कि जिंदा दिली वाला शहर है, अपनापन वाला शहर है, वहां पर रंगों का त्यौहार और सतरंगी नवरंगी छटा बिखेर रही है इंदौर के डीएम बंगले में। जी हां, इंदौर के प्रशासनिक मुखिया कप्तान मनीष सिंह जी के बंगले पर एक अलग ही नज़ारा है। आज चेहरे यहाँ पर पहचान में नहीं आ रहे, लेकिन शैली वही है और प्रशासनिक दक्षता के साथ वो खुशियों को भी साझा कर रहे हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जी। आइए बात करते हैं सर, किस तरह से ये रंगों का त्यौहार बहुत लंबी चुनौतियों को पार करने के बाद खुशियों के रंग लेकर आए। दो साल से जो कोरोना का कारण ही सारे प्रोटोकॉल्स चल रहे थे और किसी प्रकार की इस तरह के त्यौहारों को मना नहीं पा रही थी जनता, इस बार शहर की जनता, जिले की जनता बहुत खुश है। त्यौहार अपने जिस प्रकार का त्यौहार मनाए जाते हैं वो एक लोगों को कोरोना के जाने से एक अवसर मिला है। ये नहीं है कि कोरोना चला गया है, वायरस अन्य वायरसों की तरह वो भी मौजूद है अभी, किंतु उसका असर अब अन्य वायरसों की तरह कम हो गया है और अपनी इम्यूनिटी पावर बॉडी की बढ़ गई है सभी की। आज जैसे दो साल से अधिकारी कर्मचारी अन्य लोग जो है जान पहचान के सभी लोग मिलने जुलने आते हैं, तो सुबह से ही सभी लोग बड़े उत्साह में थे और हमारे यहाँ भी बहुत सारे अधिकारी और सब आए, सब ने बड़ा खुल के होली खेली, सब ने एंजॉय भी बहुत किया। फिर संभागायुक्त महोदय के यहाँ भी हम लोग गए, वहाँ भी कीचड़ की होली हुई और संभागायुक्त महोदय ने भी बहुत एंजॉय किया, तो खुशी नुमा माहौल अच्छा लग रहा है। शहर की जनता भी खुश है, जिले की जनता भी खुश है, सब प्रसन्न है, कोई प्रतिबंध नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। होली का सर जो हर रंग है एक अपने आप में अलग तरह का संदेश रखता है और आज होली मिलन पर हमने देखा कि आप भी एक लाइट मूड में थे, गाने भी गुनगुना रहे थे, पत्रकार साथियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आप जो है थिरक भी रहे थे, लोगों की जो मनुहार थी उनको मान रहे थे, तो कैसा आपको लगता है ये अपनेपन का भी एक त्यौहार है जिसमें हर गिला शिकवा भुला करके सब एक रंग में मिल जाते हैं? देखिए इंदौर में लोगों में अपनापन बहुत है, जब किसी को अगर लोग स्वीकारते हैं, अगर कोई व्यक्ति स्वीकारता है, इंदौरी अगर रहता है, जो इंदौरी बोला जाता है, इंदौरी भाव, स्नेह बहुत रहता है उसमें, अपनापन रहता है और स्नेह डीप रूटेड रहता है इंदौर में, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जब रहती है तो अपने दिल को भी अच्छा लगता है, सुकून मिलता है और खुशकिस्मती भी फील होती है, दोनों चीज़ें हैं। सर स्वच्छता के मामले में इंदौर ने एक शिखर छुआ है, तो आप कैसे आज इस मौके पर अगला एक रिजोल्यूशन तय कर रहे हैं कि अगली होली तक इंदौर को इस मामले में भी हम नंबर वन बनाकर छोड़ेंगे, और जो आप प्रशासनिक एक आपकी जो कार्यशैली है बतौर कप्तान, आप उसमें और क्या नए साल में नया नवाचार लेने निकल आ रहे हैं? नगर निगम अच्छा काम कर रहा है और स्वच्छता में चूँकि नगर निगम की टीम ही काम करती है, डे टू डे मॉनिटरिंग भी उनकी वहीं होती है, अच्छी मेहनत कर रहे हैं और मेरे ख्याल से जो भी नए पैरामीटर्स आए हैं इस बार के सर्वे में सभी नगर निगम ने अचीव किए हैं। प्रोसेसिंग में इंदौर शहर यहाँ के आम जनता के, आम नागरिकों के जो गीला सूखा अलग करने का जो एक आदत पड़ी है उसके कारण ये शहर प्रोसेसिंग में और सेग्रीगेशन में अन्य शहरों से 4-5 साल आगे निकल गया है। इंदौर की मेरा मानना है कि जिस प्रकार के शहर की जनता ने स्वच्छता को अपना एक आदत बनाई है, ये किसी भी अन्य शहर को अचीव करने में कम से कम 4 से 5 साल अभी लगेंगे, अगर इसी मेहनत से अगर लोकल बॉडी वहाँ की काम करती है, जनता इसी स्नेह से और आत्मीयता से जुड़ती है नगर निगम के साथ में, तो बहुत आगे हैं अपन। और आने वाले समय में मुख्य तौर पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोविड में बहुत लोगों ने रोज़गार खोया है और मिडिल क्लास बहुत सफर रहा है, गरीब वर्ग को तो फिर भी मिल गया, गरीब वर्ग तो अपना परेशान था ही, उसको मिला, पर इस बार की इसमें ये देखा गया कि मिडिल क्लास वर्ग भी जो है वो बहुत परेशान रहा है, तो अगर स्टार्टअप अच्छे प्रोग्रेस करते हैं, आईटी कंपनी अच्छे से प्रोग्रेस करती हैं, तो डेफिनेटली मिडिल क्लास को बहुत उसमें लाभ होगा उसमें। सर इंदौरियों को कैसे आप होली की शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि इंदौर में ना केवल होली बल्कि रंग पंचमी तक जो है ये रंगों की बहार जो है पूरे शहर में पूरे जिले में देखने को मिली। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे उन्होंने बड़ा क्लियर सभी नागरिकों से आह्वान किया था कि बहुत धूमधाम हर्षोल्लास से होली धुलंडी और रंग पंचमी सब मनाई जाए। रंग पंचमी 22 तारीख को है, गैर बहुत उत्साह से निकलने वाले हैं, सभी को शुभकामनाएं हैं, अच्छे धूमधाम से अच्छे से मनाएं, वातावरण अच्छा रखें, मर्यादा ना तोड़ें कहीं भी, जो भी एक त्योहारों के धूमधाम से मनाने की रहती है, शराब पी के ना वाहन चलाएं, खुद की सुरक्षा भी रखें। कलर्स में अधिकांश वैसे मैंने देखा काफ़ी हद तक ऑर्गेनिक कलर्स का प्रचलन बढ़ा है, केमिकल्स वाले जो कलर हैं केमिकल कलर्स को थोड़ा दूर रखना चाहिए इसमें,
और सभी अच्छे वातावरण में अच्छे भाव से सब लोग मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको भी बहुत सारी होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। राजधानी भोपाल में सीएम हाउस में एक अलग नज़ारा है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री भी अपने तमाम चहेतों को, मातहत अधिकारियों को जो है रंग लगाकर होली मना रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की बात करें तो यहाँ पर भी प्रशासनिक कप्तान मनीष सिंह जी के बंगले पर नज़ारा बहुत रंग बिरंगा है। तमाम पुराने अधिकारी और नए अफसरों की जो है मेल मुलाकात हो रही है और होली के रंग में हर कोई यहां पर सराबोर नजर आ रहा है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज, इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।